हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेज एज यू नो दैट वी आर रनिंग अ रनिंगाइव मिनट सीरीज ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर नेट एंड सेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जाम एंड द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज ट्रेड शो मार्केटिंग इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस एम सी क्यूज हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर टू कोर्सिस कॉम्बो इसके अलावा पेपर वन जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रेड शो मार्केटिंग पहले के टाइम में ट्रेड शोज़ की रेपूटेशन अच्छी नहीं थी ऐसा कंसिडर किया जाता था कि ट्रेड शोज़ में बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं और डेस्परेट सेल्समैन वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करते हैं ऑल तो एक टाइम पर यह बात सही भी थी लेकिन आज ट्रेड शोज अट्रैक्टिव इवेंट्स हैं जहाँ पर कंपनीज अटेंडीज को इंगेज करने के लिए अपने रिसोर्सेज का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्पेंड करती हैं सो ट्रेड शो मार्केटिंग एक एग्जीबिशन है जहाँ पर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की सारी कंपनीज आकर अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेमोस्ट्रेट करती हैं ट्रेड शोज नॉर्मली उन्हीं लोगों की एंट्री अलाउ करते हैं जिन्होंने या तो पहले से रजिस्टर किया हो या फिर वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हों या फिर वो प्रेस के मेम्बर्स हों इस टाइप की ऑडियंस की प्रेजेंस की वजह से ये इवेंट्स कंपनीज उनके कंपेटिटर्स और उनके कंज्यूमर्स के बीच में मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड शोज़ में एग्जिबिट करने का ये बेनिफिट है कि वहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ को कस्टमर्स के सामने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो और उनके जो भी कंसर्न्स हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग वो आपको पता लगेंगे जिससे आपको अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी और इसके अलावा आप अपने कंपेटिटर्स पर भी नज़र रख सकते हो कि वो कस्टमर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो किस नए प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं और आप उनकी स्ट्रैटेजी से क्या नया सीख सकते हो और जब आप ट्रेड शो में एक्जिबिट करते हो तो इससे आपका और आपकी टीम का इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स के साथ नेटवर्क भी बनता है ट्रेड शोज में आपको पता लगेगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर डीलर या फिर प्रोफेशनल अपनी प्रीवियस कंपनी चेंज करना चाहता है इससे आपको नए फेसेस देखने को मिलेंगे जिन्हें आप अपनी कंपनी में हायर करके ग्रो कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर अपैरल इंडस्ट्री का ट्रेड शो है तो वहां पर आपको वो सारी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो फैब्रिक सेल करती होंगी या फिर क्लोथ स्टिच करने के लिए मशीनरी सेल करती होंगी या फिर कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को क्लोथ सेल कर रही होंगी सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर ट्रेड शो मार्केटिंग सबसे पहले है सेटअप अ बिजनेस थिएटर बिजनेस थिएटर में सेल्स कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्रेजेंटेशन देते हैं जिन कंपनीज के पास बड़े स्टॉल्स होंगे वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस थिएटर सेट कर सकती हैं। बिजनेस थिएटर की हेल्प से हम अपनी ऑडियंस को एक्साइट एजुकेट और एंटरटेन करते हैं नेक्स्ट आते हैं ब्रीफिंग जोन्स ब्रीफिंग जोन्स भी बिजनेस थिएटर की तरह ही होते हैं लेकिन ये कंपेरेटिवली स्मॉलर स्केल पर होते हैं बूथ के फ्रंट में एक स्मॉल एरिया में अटेंडीज को वेलकम करके उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है और उन सारी एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है जो बूथ में प्रेजेंट हैं नेक्स्ट आती है बूथ एक्टिविटीज़ अटेंडीज का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम उन्हें फ़न एक्टिविटीज़ में भी इंगेज कर सकते हैं जैसे गेम्स इंटरक्टिव क्योस एंड प्राइजेस हम सेल्स पर एम्पिसाइज करते हुए अगर अपने कस्टमर्स को एंटरटेन भी करेंगे तो इससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट आता है बूथ टूर अब जो गेस्ट आ रहा है उसे तो हमारे बूथ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता तो हम हर एक गेस्ट के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव को एंगेज कर सकते हैं कि वो गेस्ट को कंपनी के फीचर्स के बारे में क्विकली हाईलाइट करें और पूरे बूथ का एक विजिट कराएँ जिससे गेस्ट को कंपनी और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में एक क्लियर आइडिया हो जाए नेक्स्ट आता है सेल्फ गाइडेड टूर ट्रेड शोज़ में किसी भी कस्टमर के लिए बहुत ही हाई प्रेशर सेल्स एनवायरनमेंट होता है तो कंपनीज कैजुअल अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकती हैं जो कस्टमर के लिए रिफ्रेशिंग एंटीडोट का काम करेगा कुछ बूथ्स में अटेंडीज को टाइम दिया जाता है कि वो अपने पेज पर आराम से प्रोडक्ट्स और प्रमोशंस के साथ इंटरैक्ट कर सकें सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड शो मार्केटिंग सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं ट्रेड शोज़ आर अ गुड वे टू रेज योर प्रोफाइल्स एंड जनरेट ब्रांड अवेयरनेस ट्रेड शोज़ में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डेमोन्स्ट्रेट करके हम लोगों में अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ट्रेड शोज़ में पार्टिसिपेट करने से हमारे नेटवर्क्स बनते हैं यहाँ पर हम हमारे पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स से मिलते हैं सप्लायर से मिलते हैं और इसके साथ साथ हमें हमारे कम्पटर्स के बारे में भी पता लगता है कंपनी के नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए ट्रेड शो सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हो ट्रेड शोज डेटा बेस बिल्ड करने में भी आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से मिलते हो और फिर आपकी मार्केटिंग लिस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाती है नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेड शो मार्केटिंग अब आप ट्रेड शोज में जाकर एक्जिबिट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसकी कोई कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी स्पेस का रेंट होगा अगर आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हो तो स्टाफ के लिए रहने की जगह और ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ट्रेड शोज में एक इंडस्ट्री की सारी कंपनीज प्रेजेंट होती हैं तो वहां पर आपके कंपटीटर्स भी प्रेजेंट होंगे और आपको सबके सामने अपने आप को उनसे बेटर प्रूव करना है और कस्टमर की अटेंशन गेन करनी है रिजल्ट्स की तो कभी कोई गारंटी नहीं होती तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतने एक्सपेंसेस करने के बाद भी आप अपनी डिज़ायर्ड सेल्स लीड जनरेट कर पाओ अब ट्रेड शोज़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन किसी भी ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस ट्रेड शो की राइट right पब्लिसिटी हुई है क्या वहाँ जाकर हमारा कोई बेनिफिट होगा और अगर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर हम कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर गेन करेंगे सिर्फ तभी हमें वहाँ पर जाना चाहिए वरना हमारे एक्सपेंसिस भी हो जाएंगे और हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच आ सा द डिटेल्स मैंशन ऑन योर स्क्रीन You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.